दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं निशांत चंगोटिया, जरूसलम में पोस्ट डॉक। मैंने अपनी सारी पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके सोचा कि चलो दुनिया की सैर की जाए, तो मैं 3 महीने की सैर के लिए निकला था, जब बीच में अचानक से कोरोना वायरस का बम फूटा। और इस फूटने के साथ मैंने सोचा कि चलो अभी जल्दी से देश भागा जाए। ये उस समय की मेरी गलत सोच थी, पर फिर भी मैंने टिकट बुक की इसराइल की, सोचा कि दो दिन यहाँ बिताऊंगा, अपना बक्से वगैरह उठाऊंगा और फिर वापस देश। पर जैसे ही मैं इसराइल पहुंचा, ये 4 मार्च की बात है, मेरे दोस्तों का फोन आया, बोला कि तुम क्वारंटाइन हो। तो ठीक है, मैंने मकान मालिक से बात की। यहाँ पे मैं सब कुछ बेच बाच के गया था, ना मेरे पास वॉशिंग मशीन थी, ना फ्रिज, ना कुछ। तो मेरे मकान मालिक ने बोला तुम फ्लैट में तो रह सकते हो जितने दिन चाहो। तो मैं फ्लैट आया, उसके बीच में मैंने अपने दोस्तों को बोला, तो मेरे दोस्तों ने स्टोव, मेज, चेयर, सबकी जल्दी से बंदोबस्त की। और फिर मैं यहाँ पे 14 दिन बिताने के बाद मैं सोचा कि चलो अब तो मैं आजाद हूँ, अब मैं जा सकता हूँ केले खरीदने। तो मैं गया केले खरीदने, पर रास्ते पे मुझे मेरे गले में खचखच हुई और फिर मुझे समझ में आया कि शायद थोड़ा और समय मुझे अंदर गुजारना पड़ेगा। फिर मेरे टेस्ट हुए और अभी तक टेस्ट के रिजल्ट आए नहीं है, इनमें थोड़ा समय लगता है। तो उस समय तक 25 दिन हो गए 14 तारीख से, समय बीत रहा है काफी अच्छे से। मेरे दोस्तों ने बहुत बहुत मदद की, जब भी मुझे कोई जरूरत होती है, खाने की, बात करने की, किताबों की, झट से आ जाती, बोलना नहीं पड़ता। और मेरे मकान मालिक ने बहुत मदद की, इजरायली गवर्नमेंट ने बहुत मदद की, और इंडियन एम्बेसी ने बहुत मदद की। इंडियन एम्बेसी के लोग हर एक दो दिन में मुझसे पूछ लेते हैं कि मेरे हाल चाल कैसे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं। मेरी फ्लाइट थी 21 तारीख की, जो कि मुझे कैंसिल करनी पड़ी, तो उन्होंने उसमें भी मेरी बहुत मदद की। तो काफी भाग्यशाली हूँ, मेरे अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे दोस्त हैं, मदद कर रहे हैं। और समय तो काफी अच्छे से बीत रहा है, 25 दिन हो गए, गाना बजाना, पढ़ना लिखना पता ही नहीं चलता, थोड़े बहुत उठपटांग वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को तंग करता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ, चेष्टा करता हूँ। वो कहते हैं ना कि वो 4 दीवारी का की कैद क्या जिनका मन स्वतंत्र हो। तो आशा कर रहा हूँ कि आप भी अभी अपने घर में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, और जब तक विज्ञान आगे नहीं बढ़ता है और मिट्टी के और दवाई ना आते, अभी शायद इससे लड़ने का यही तरीका है। इसराइल ने काफी सख्त कदम उठाए, बोला जाता है कि मुझे फोन से भी ट्रैक किया जा सकता है। पहले थोड़े ढीले थे तो लोग बीच में पहुंच गए थे, तो ये सख्त कदम ही सही। पर यहाँ से मैं रोज न्यूज सुन रहा हूँ कि इंडिया ने भी काफी सख्त कदम उठाए हैं, और आशा कर रहा हूँ कि लोग जो पालन कर सकते हैं वो नियमों का पालन करें उस समय तक। देखिए अब आगे क्या होता है, कोई बोल नहीं सकता, पर उस समय तक अलविदा। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा।
अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त द ललन टॉप।